Hello, dear friends. Uh, today is the 23rd of January. Uh, we have two new uh, editorial stories here. From Fear to Hope on Ram Temple Consecration. Uh, and spiking tensions on peace in Korean peninsula. stories ko videos story story From fear to hope. On on Ram Ram Temple Temple consecration, consecration. Consecration from from fear to hope Ram's क्या कहते हैं uh, प्राण प्रतिष्ठा तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है राम टेम्पल एक बिल्डिंग थी राइट right? एक जमीन का टुकड़ा था लेकिन एक धार्मिक मान्यता के हिसाब से कुछ काम किए गए वहां और अब वो होली हो गया अब वो पुण्य हो गया अब वहां चप्पल खोल के जाएंगे आप समझ रहे हो तो कॉन्सिक्रेशन एक एक्चुअली uh, मेरे ख्याल से ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ये वर्ड है वहां कुछ ऐसा किया जाता है कुछ चीज को होली बनाने के लिए जो नॉर्मल चीज उसको होली बना देते हैं कुछ प्रोसेस करके उसके बाद उसको रिलीजियस पर्पज के लिए यूज करते हैं तो कॉन्सिक्रेशन कॉन्सिक्रेशन एक नाउन है कॉन्सिक्रेट वो वर्ब है ऐसा करना ठीक है कॉन्सिक्रेट वर्ब है कॉन्सिक्रेशन नाउन consecrate मतलब क्या हुआ किसी चीज को होली बनाना किसी चीज को रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूजफुल बनाना ठीक है द राम टेंपल मस्ट हेल्प इन हीलिंग वुंड्स एंड क्रिएटिंग हार्मनी राम टेंपल वुंड्स को हील करने में यानी कि घाव को भरने में और भाईचारा क्रिएट करने में मदद करेगा और करना चाहिए ऐसा लगता है न्यूज़पेपर को राम टेंपल मस्ट हेल्प इन हीलिंग वुंड्स वुंड्स एंड क्रिएटिंग हार्मनी ठीक है अब को हील करने में मतलब घाव और हील करना भरना और क्रिएटिंग हारमनी अः हारमोनी यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में भाईचारा बोलेंगे अगर म्यूजिक के फील्ड में आएंगे तो हारमनी कुछ अलग हो जाता है अगर मैं बोलूंगा यू सिंग इन परफेक्ट हारमनी टू वो सिंगिंग इन परफेक्ट हारमनी तो मामला अलग हो जाएगा लेकिन सोशल हारमनी मतलब होता है एक समरसता एक भाईचारा जिसमें कोई फाइट ना हो रहा हो कोई टेंशन नहीं हो क्रिएटिंग हारमोनी ठीक है तो हारमोनी क्रिएट करने में और बुंड्स को हील करने में रा, राम टेम्पल का योगदान होना चाहिए ऐसा मानना है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का तो कहानी को आगे बढ़े इसमें इस, इसको भी एक्सप्लेन कर स्पाइकिंग टेंशन टेंशन बढ़ रहे हैं। स्पाइक करते कोई भी चीज स्पाइक करता है ना तो खड़ा हो जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है यानी कि बढ़ता है ठीक है स्पाइकिंग टेंशन यानी टेंशन बढ़ रहे हैं आ, कोरियन पेनसुला में पीस के मामले पे ये टॉपिक ये आर्टिकल लिखा गया है डायलिंग डाउन अग्रेसिव रिटोरिकायलिंग डाउन कम करना डायल डाउन अग्रेसिव रिटोरिक कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको आपने पहले सुना नहीं होगा बावजूद इसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं मैंने कभी डायल डाउन पहले सुना नहीं था ठीक है डायलिंग डाउन अग्रेसिव रिटोरिक यानी अग्रेसिव रिटोरिक को कम करना इज क्रूशल फॉर पीस इन कोरियन पेनंसुला रिटोरिक क्या होता है होता है वो जो कमेंट्स किए जाते हैं ना जिसका खास मकसद नहीं होता लेकिन हाँ ऐसी बातें बोली जाती है जिससे लोगों का इमोशंस बहुत भड़के उनको रिटोरिक्स कहते हैं अग्रेसिव रिटोरिक्स है यानी नॉर्थ नॉर्थ कोरिया कुछ बोल रहा होगा धमकी दे रहा होगा साउथ कोरिया को साउथ कोरिया कुछ बोल रहा होगा नॉर्थ कोरिया को यही है अग्रेसिव रिटोरिक्स तो उसको कम करना इज क्रूशल बहुत नेसेसरी है क्रूशल मतलब इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल फॉर पीस इन कोरियन पेनिस्ला कोरियन पेनि में शांति चाहिए तो बहुत जरूरी को डायल किया जाए तो आगे चलते इस को पढ़ते हैं अयोध्या इज अट टर्न राम टेम्पल जो अयोध्या में खुला है शुरू हुआ है इज अ शार्ट टर्न बहुत शार्ट टर्न है वो इन द कोर्स ऑफ द नेशन देश के जो Uh, रास्ता है कोर्स ऑफ द नेशन मतलब समझ रहे कोर्स होता है किसी का रास्ता ठीक है कोर्स ऑफ द रिवर ठीक है तो रास्ता होता है यानी रास्ता कौन सा ये कोई रोड वाला रास्ता है? फिजिकल है नहीं टाइम के मामले में इन द कोर्स ऑफ द नेशन हिस्ट्री लिखी जाती है जब एक देश की तो क्या कब क्या हुआ ये चीज लिखी जाती है ना उसको कहते हैं कोर्स ऑफ द नेशन तो कोर्स मतलब समझिएगा ऐसे भी दवा से आप सबसे पहले वर्ड जानते हैं कोर्स को पढ़ाई के लिहाज से फिर जानते हैं कोर्स को दवा के लिहाज से वहीं से मीनिंग आप लेके आइए समझ में आ जाएगी आपको बात एक सर्टेन टाइम तक आपको दवा खाना होता है पूरा कोर्स करना होता है राइट right? वैसे ही एक कोर्स करना होता है पढ़ाई में पूरी पढ़ाई करनी होती है तो कोर्स ऑफ द नेशन मतलब वैसे ही प्रोग्रेस है वैसे ही रास्ता है इधर से इधर जा रहे इधर से इधर जा रहे इट्स कोर्स ऑफ द नेशन द कोर्स ऑफ द आर्गुमेंट ओके तो द कोर्स ऑफ द डिस्कशन इस तरह के वर्ड कोर्स आपको अक्सर मिलेंगे तो प्रॉब्लम uh, में मुझे सिर्फ एक समझ में आती है जब मैं जानता हूं कि मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूं किन लोगों को किन लोगों के लिए मैं भी, वीडियो बना रहा हूं मुझे पता है उन्होंने कोर्स मतलब एक चीज याद कर रखा है दिमाग वो खोलेंगे नहीं प्रॉब्लम ये है अगर आप अपना दिमाग खोल करके इंग्लिश वर्ड्स के वो सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी होगी इंग्लिश सीखने में रट्टा मत मारिए किसी शब्द के लिए ठीक है महसूस करिए उसके लिटरल मीनिंग को ताकि उसी मीनिंग से रिलेटेड फिगरेटिव यूज जब हो तो आपको समझ में आ जाए तो आप बताइए इन द कोर्स ऑफ द नेशन इट इज शार्प टर्न टर्न होता है तीखा मोड़ तीखा मोड़ आपको रोड पे मिलता है कि नहीं मोड़ता है अचानक रोड, से एक तीखा मोड़ आता है राइट तो न्यूज कह रही है कि जो राम टेम्पल का ओपनिंग है अयोध्या में जो खुला है ये एक शार्प टर्न है इन द कोर्स ऑफ द नेशन यानी कि हम लोग का देश जिस रास्ते पे चल रहा था उधर से शार्प टर्न लिया यानी दूसरे रास्ते पे जा रहा है एक पहले जीरस चल रहा था राइट तो अपना शार्प टर्न कब हो? अगर आप रोड पे चल रहे हो और टर्न ना आए तो आप जिस दिशा में चले उसी दिशा में चल रहे हो ना लेकिन अगर एक शार्प टर्न आ जाए तो आपने क्या किया अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है तो न्यूज़पेपर का कहना है कि भारत ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है ओके द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट इन द रिचुअल्स द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट जो स्टेट मतलब गवर्नमेंट ठीक है तो गवर्नमेंट का जो मेन रोल है सेंट्रल रोल सेंट्रल रोल मतलब मेन रोल ओके द सेंट्रल रोल ऑफ द स्टेट इन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द टेंपल इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेंपल आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है काफी मुखर रही है इस चीज में राइट मोदी जी खुद जाकर के वहां बहुत कुछ किए हैं 11 दिनों का फास्ट भी रखा उन्होंने तो ये जो इनग्रेशन ऑफ द टेम्पल हुआ है टेम्पल का जो उद्घाटन हुआ है इसका जो रिचुअल्स है जो जो काम हुआ रिचुअल समझते हैं रिचुअल्स मतलब होते हैं वो चीजें जो आप एक आदत के तौर पे करते हैं एक नियम के तौर पे करते हैं जैसे अगर आप सत्यनारायण स्वामी कथा करवाते हैं तो वहां आप पे आपको कुछ रिचुअल्स करने होते हैं एक स्वास्तिक बनाना होता है उसके ऊपर एक कलश रखना होता है उसके ऊपर पान के पत्ते डालने होते हैं ये सब क्या है रिचुअल्स हैं रिचुअल्स तो होते हैं एक फेस्टिवल के रिचुअल्स होते हैं एक इवेंट के रिचुअल्स होते हैं तो इसके रिचुअल्स के साथ जो स्टेट एसोसिएट किया पूरा ठीक है उसको बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेंपल के द्वारा जो टेंपल्स के सपोर्ट में लोग रहे हैं जिन्होंने टेंपल को लाने में ये बनाया है उन लोगों के तरफ से इसको काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट भी इसमें रोल निभा रही है भारत सरकार भी इसमें एकदम शामिल है उस पूरे उद्घाटन में पूरे रिचुअल्स में हर जगह थी उसको ये नहीं कहा गया कि ये हिंदुओं का चीज है गवर्नमेंट सेक्युलर है तो गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसा नहीं किया जो कि पहले का शायद रहा था एटीट्यूड और इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है आप जानते हो कि हमेशा से सरकारों पे इल्ज़ाम लगा रहता था कि वो ईद समारोह में जाते थे गम, इ, सिर पे टोपी पहनते थे और बहुत सी चीजें करते थे लेकिन हिंदुओं के त्योहारों से शायद दूरी रखते थे बना करके शायद इसलिए कि हिंदू सम, प्रधान समाज है ना ये तो थोड़ा सा माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए शायद ऐसा किया जाता था खैर वट जो भी रहा मैटर इस चीज को बहुत

तो प्रोपोनेंट्स और अपोनेट्स ठीक है प्रोपोनेंट्स हो गए समर्थन देने वाले लोग मंदिर के और अपोनेट्स हो गए जो उसके खिलाफ है लोग इट्स इस फियर इसके फियर करते हैं उनको डर है इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ डेंजरस स्लाइड कि यह शुरुआत है एक डेंजरस स्लाइड की ठीक है डेंजरस स्लाइड इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ डेंजरस स्लाइड टू डाइवर्जेंट विजन्स ऑफ इंडियन नेशनहुड डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है जो एक दूसरे से अलग हो ठीक है टू डिफरेंट विजन डाइवर्जेंट को यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं डिफरेंट ठीक है different, जो एक दूसरे से अलग जा रहा होता divergent है उसको डाइवर्जेंट कहते हैं आप रोड पे जा रहे होते हैं जहां रोड बन रहा होता है तो एक डायवर्जन बना देते हैं यानी कि अलग रास्ता दे देते हैं बगल से होके जाइए ठीक है तो डाइवर्ज कर जाना डाइवर्जेंट होता है जो अलग होता है तो डाइवर्जेंट विजन ओके टू डाइवर्जेंट विजन्स ऑफ इंडियन नेशनहुड भारत का जो नेशनहुड है इसके दो अलग अलग विजन है इंस्पायर द टू साइड और यही दोनों को अलग अलग इंस्पायर करे दोनों साइड को एक साइड को एक साइड जो है भारत को एक देखना चाहता है अपने कल्चर से एसोसिएटेड रखना चाहता है और एक चाहता है भारत को एकदम से मॉडर्न होना जिसमें सेक्युलरिज्म हो जहां पर धर्म से कोई कनेक्शन ना हो ये जो टू दो अलग अलग डाइवर्जेंट विजन्स है वही इंस्पायर कर रही है टू साइड्स को हालांकि कहानी इतनी सिंपल नहीं है आप सब जानते हैं ठीक है द इनोगरेशन ऑफ द टेम्पल मार्क्स अट माइल स्टोन द इनाग्रेशन ऑफ द टेम्पल मार्क्स अ डेफिनेट माइल स्टोन ये सेंटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं कहूंगा मार्क है क्योंकि मार्क मतलब आप लोग चिन्ह चिन्ह वर्ड बोल करके अपने दिमाग पे बैठे बैठा लिए है कि मार्क मतलब चिन्ह होता है बात करते तो। लेकिन आपको यहां समझना होगा यहाँ पर मार्क एक वर्ब है द इनाग्रेशन ऑफ द टेम्पल टेम्पल का जो उद्घाटन हुआ है ये एक सब्जेक्ट मान लीजिए और उसका द इनाग्रेशन ऑफ द टेम्पल मार्क्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो देखिए कि पर इनग्रेशन ऑफ द टेम्पल इवेंट हो गया दिस इवेंट मार्क्स अ डेफिनेट माइल स्टोन डेफिनेटिव माइल स्टोन ये जो इनग्रेशन हुआ है टेम्पल का एकदम एक बहुत बढ़िया बड़ा माइल स्टोन को मार्क करता है इसका मतलब ये बहुत बड़ा माइल स्टोन है तो अक्सर आप मार्क वर्ड को देखोगे इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब के तौर पे उस मार्क के सब्जेक्ट जो होगा वो कोई इवेंट होगा कोई दिन होगा कोई टाइम होगा जो कोई चीज उस वो जो समय और वो दिन होता है वो किसी खास चीज के लिए जाना जाता है तो उसको कहते हैं मार्क जैसे कहते हैं जैसे हम लोगों ने मार्क चंद्रमा पे अपना जो रोवर डाल दिया था तो कह सकते हैं लैंडिंग ऑन द मून मार्क्स A न्यू एरा फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो मतलब क्या हो गया that marks a new era. Okay? तो एक नए युग की शुरुआत हो गए ऐसे मैंने कह दिया हालांकि लिखा वहां पे. तो इस तरह से आप बार बार ऑब्जर्व करते हैं इंग्लिश सीखने का मतलब कोई एक वर्ड सीखना नहीं होता एक टाइम में उस वर्ड के साथ और जो जो वर्ड आते हैं उन पर ध्यान देना खासकर कुछ केसेस में तो बिल्कुल जैसे मार्क मार्क जब वर्ड के तौर पर यूज करते हैं तो हम कहते हैं एक सब्जेक्ट होगा मार्क का ठीक है द टीचर मार्क्स द कॉपी एक सिंपल सेंटेंस है जहां टीचर लगाते निशान लगाते कॉपी पे ठीक है द इनॉग्रेशन ऑफ द टेम्पल मार्क्स यहां जो इनग्रेशन ऑफ द टेम्पल हुआ है ना इसने चिन्हित किया है एक माइल को कि भाई एक माइल आया है इफ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर द विजन ऑफ द बीजेपी जो बीजेपी का विजन रहा है उसके लिए एक जबरदस्त माइल स्टोन है इनोग्रेशन ऑफ द अगर कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री नहीं है इनके विजन का जो बीजेपी का विजन विजन क्या रहा है दोस्तों आप सब जानते हैं तो उस विजन के लिए ये एक जबरदस्त माइलस्टोन साबित हुआ है इनग्रेशन ऑफ द टेम्पल अगर इसको पूरी तरह से ना माना जाए कि उनकी विजन की जीत हो गई है तो कम से कम इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि एक डेफिनेटिव माइलस्टोन आया है उनके विजन का

तो आप गलत हिंदी कर जाओगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के टेंसेस हमेशा मैच नहीं करते जाहिर सी बात है मिस्टर मोदी ने ये ये कहा तो पास्ट पास्ट टेंस टेंस में में लिखा और बाकी बातें भी आगे पास टेंस में हो हैं इनडायरेक्ट स्पीच है लेकिन जब आप हिंदी में बोलोगे तो आप हिंदी में ऐसा नहीं बोलोगे आप हिंदी में इसको प्रेजेंट में ही बोलोगे मोदी जी ने कहा कि ये भारत के इतिहास के न... इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है ऐसे बोलना होगा आपको हिंदी में है बोलना पड़ेगा इट वाज द बिगनिंग हम लिखेंगे इंग्लिश में लेकिन जब हम हिंदी बोलेंगे उसके जगह तो बोलेंगे भारत के एक भारत के इतिहास के एक नए युग की शुरुआत है एन एरा दैट विल लास्ट फॉर सेंचुरीज एक ऐसा एरा जो सदियों तक चलेगा दैट विल लास्ट फॉर सेंचुरीज यहां लास्ट मतलब आखिरी नहीं है यहां लास्ट मतलब है चलना ओके दिस एरा विल लास्ट फॉर सेंचुरीज ये सदियों तक चलेगा ये एरा ही कॉल्ड फॉर ह्यूमिलिटी Called फॉर मतलब उस किसी चीज की आवाहन करना कहना कि ये चीज दिखाइए ये चीज शो करिए चीज दीजिए ठीक है ही कॉल्ड फॉर ह्यूमिलिटी अलॉन्ग साइड द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री उन्होंने कहा कि जो सेलिब्रेशन है विक्ट्री का क्योंकि आपको पता है लंबा युद्ध लड़ना पड़ा है हर तरह का आ, लोगों को राम मंदिर वहां पाने के लिए आखिर में मैटर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था राइट तो एक तरह से उनकी जीत तो हुई है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी इसके लिए अगर उनको ये चीज दे दी जाती तो विक्ट्री नहीं माना जाता लेकिन उनको दिया नहीं गया उन्होंने इसको लिया है कोर्ट के सहारे तो उन्होंने कहा कि कॉल्ड ही कॉल्ड फॉर ह्यूमिलिटी उन्होंने ह्यूमिलिटी की दरकार कही है कि ह्यूमिलिटी की जरूरत है सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन ऑफ ऑफ विक्ट्री विक्ट्री साथ साथ celebration of victory के साथ साथ ह्यूमिलिटी की भी जरूरत है एंड इन एकदम सीने आपके सामने सामने हैं कॉल्ड फॉर मतलब वही हो गया इन ठीक है इन मतलब कॉल फॉर ठीक है और उन्होंने साथ ही साथ आह्वान किया द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ राम कि राम के जो जो उनका जो यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ राम इसको हिंदी में कैसे बताऊं कि राम जो है वो किसी एक के नहीं है ठीक है भारत के नहीं है हिंदुओं के नहीं है ही इनवोक्ड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ राम उन्होंने कहा कि राम को बनाइए पूरी दुनिया के लिए दैट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी जिसमें पूरी की पूरी जो मानवता है वो सम्मिलित हो जाए समाहित हो जाए इनकम पास करना मतलब इंक्लूड करना होता है ठीक है तो राम को उन्होंने कहा कि किस हिंदुओं का मत बनाइए राम को राम को बता बताइए बनाइए कि ये पूरी दुनिया के हैं ही इन्वोक द दूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ राम दैट इनकम पास ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि पूरी मानवता को सम्मान सम्मित करते हैं सम्माहित करते हैं है अपने आप में पोट्रइिंग द टेम्पल एज अ लिंक लिंक टेंपल को उन्होंने एक लिंक के तौर पर दिखाया पोर्ट्रेइंग द टेंपल अ लिंक बिटवीन इंडिया रिच कल्चरल इनहेरिटेंस उन्होंने भारत के जो रिच कल्चरल इनहेरिटेंस है यानी भारत का जबरदस्त रिच मतलब बहुत धनी बहुत समृद्ध कल्चरल सांस्कृतिक इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं आप लोग जो आपको मिलता है विरासत विरासत बो, बोल सकते हैं जो इतना धनी कल्चरल विरासत भारत का है उससे लिंक किया एम्बिशन फॉर द फ्यूचर एंड एम्बिशन फॉर द फ्यूचर तो टेम्पल जो है ना एक लिंक है भारत के रिच कल्चरल इनहेरिटेंस में और एम्बिशंस फॉर द फ्यूचर में एक लिंक है बीच में एक वेरियस रीजन एंड कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री

राम राज्य हैज हैड मल्टीपल इमेजिनिंग्स राम राज्य का कई मतलब रहा है कई तरह से इसको इमेजिन किया जा सकता है कई तरह से देखा जा सकता है द टेम्पल इन अयोध्या मस्ट इंस्पायर एंड प्रमोट द कंसेप्शन ऑफ अ पॉलिटी डिटर्मिन नॉट बाय एन ऑब्सेशन विद द पास्ट जो टेम्पल है अयोध्या में वो मस्ट इंस्पायर जरूरी इंस्पायर करे और प्रमोट करे इंस्पायर करे और प्रमोट करे क्या कंसेप्शन ऑफ अ पॉलिटी एक ऐसे समाज का आइडिया कंसेप्शन मतलब आइडिया होता है ठीक है द कंसेप्शन ऑफ ए पॉलिटी ऐसे समाज की पॉलिटी मतलब समाज यहां पे ऐसे समाज का गठन डिटर्मिन नॉट बाय एन ऑब्सेशन विद द पास्ट जो पास्ट के साथ डिटर्मिन ऑब्सेस नहीं करता हो कुछ लोगों को आप मिलोगे जो हमेशा बात करेंगे पास्ट की कि पास्ट कितना ग्लोरीफाइड था पास्ट कितना ग्लोरीफाइड था उनको हमेशा पास्ट में जाना है लेकिन नहीं

ये अयोध्या का जो टेम्पल है ये इंस्पायर करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए ऐसे समाज को ऐसे समाज का गठन करना चाहिए इसका ऐसे समाज के गठन में एक रोल निभाना चाहिए जो पास्ट के तरफ ऑब्सेस ना हो पास्ट से ऑब्सेस ना हो बल्कि प्रेजेंट के वर्तमान के डिफिकल्टीज को समझे महसूस करे उसको समझे अप्रिशिएट करना मतलब समझना अप्रिशिएट करना विद्र बाई एन अप्रिसिएशन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द प्रेजेंट कि प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंजेस है इसको समझे एंड द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फ्यूचर और जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस फ्यूचर के हैं उसको भी समझे सही बात है पूजा पाठ करिए मन की शांति के लिए लेकिन सच्चाई तो यही है कि ए ओवरटेक करने वाला है ओवरटेक करने वाला है मतलब एक दुनिया को बदलने वाला है ए आप लोग जब चैट जी से बात कर रहे होंगे तो महसूस करते होंगे कि हम लोग कहाँ जी रहे एक मशीन बात कर रही है आपसे और हंस के बोलती है जब हंस के बोलने की बात आती है टेंशन में बोलती है जब टेंशन की बात आती है बात करते समय एहसास नहीं होगा कि एक मशीन बात कर रही है तो ए तो आप जान रहे किस तरह से हमारे दुनिया को बदलने वाला है तो मंदिर आया है ठीक है जिन लोगों की आस्था है वो लोग रहे लेकिन पास्ट में ना जीने लगे पास्ट के तरफ मतलब पास्ट में जीने का मतलब समझते हो ना मुँह मोड़ लेना प्रेजेंट से और फ्यूचर से और वो सही नहीं हो सकता दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो नोटेड द फैक्ट दैट द टेम्पल वॉज फैसिलिटेटेड बाय जुडिशियल डिसीजन उन्होंने ये भी बताया अपने भाषण में बोला कि भाई जो ए, ये जो है, ये ये है पॉसिबल हो पाया द टेम्पल वॉज फैसिलिटेटेड मतलब इसको बनाया जा सका बाय ये जुडिशियल डिसीजन एक जुडिशियल डिसीजन के द्वारा इसको फैसिलिटेट किया गया है जबरदस्ती नहीं बनाया गया ये उनका बताने का मतलब था द सुप्रीम कोर्ट वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था दैट हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड इन देयर टू द हिंदू प्रेटिशनर्स जो डिस्प्यूटेड लैंड जो लैंड जो था अयोध्या में उसको हिंदू प्रेटिशनर को दे दिया हैड आल्सो अनएम्बिग्युअसली नोटेड उन्होंने भी कहा था एकदम साफ-साफ अनएम्बिग्युअसली -साफ, मतलब बिना एम्बिग्यूअस ambi, हुए यानी कि एकदम साफ-साफ तो एम्बी मतलब दोनों साइड होता है एम्बिग्यूस मतलब होता है जिसके हाँ ना दोनों मीनिंग निकाले जा सके अनबिग्यूअस मतलब होता सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कहा था द, द, जमीन दे दी हिंदुओं को लेकिन उन्होंने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था वो एक सीरियस वायोलेशन ऑफ लॉ था डिटीज ऑफ द टेम्पल जो टेम्पल के डिवोटीज है इन देयर मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन शुड नॉट बी अन्य पास्ट के बारे में unmindful ना हो, mindful होना मतलब याद रखना देखिए शुड नॉट बी अन माइंडफुल यानी भूल नहीं जाना चाहिए दे शुड नॉट बी अन माइंडफुल ऑफ द पास्ट इंग्लिश ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनती है जब आप समझने की कोशिश करते हैं अगर सिर्फ हिंदी वर्ड याद करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना है देखो

ये जो एक तरफ विजय का फीलिंग और एक तरफ दर्द का फीलिंग है ग्रीवांश है ठीक है कुछ लोग बुरा फील कर रहे हैं ना कि मंदिर बना है तो कुछ लोग को बुरा भी लग रहा है तो एंड मस्ट गिव वे इन दोनों चीज को हटना होगा और आना होगा क्या रिकनसिलियन एंड हारमोनी गिव वे टू समथिंग अगर एक चीज गिव वे टू अनादर थिंग गिव वे टू अनादर थिंग तो पहली चीज जो है दूसरी चीज से रिप्लेस हो जाती है तो यहां कहा जा रहा है ट्रम्फलिज मस्ट गिव वे टू तो रिकनसिलेशन एंड हारमनी यानी कि ये जो एक तरफ है जबरदस्त ट्रायम्फलिज्म पूरा जोश है जीत का और एक तरफ है कि गलत हुआ है तो ये दोनों को हटना होगा

To hope. भी देख लीजिए वैसे ही गिवेल्स ऐसे होते हैं एक ही जगह पर देखिए फियर हटना चाहिए और क्या जाना चाहिए वहां पर होप आना चाहिए यानी फियर खत्म हो जाएगा और होप आना चाहिए ऐसा मान रहा है न्यूज पेपर कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए फियर मस्ट ईल टू होप द टेम्पटेशन टू यूज द सेम टेम्पलेट

को जो अपनाने का जो टेम्पटेशन होगा मस्ट भी अबैंडन इमीजिएटली उसको तुरंत अबैंडन करना होगा यानी त्याग देना होगा over of जिस तरह से राम मंदिर का मुद्द, मुद्दा मुद्दा सुलझाया गया है कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही बाकी मुद्दे भी सुलझाए जाएंगे तो न्यूज पेपर कह रही कि इस लालच को त्यागना होगा तुरंत सीकिंग टू सेटल हिस्टोरिकल ग्रीवां ये कोशिश करना सीक टू डू समथिंग मैंने बताया ना ट्राई टू डू ठीक है सीक पहले बता चुका हूं सीकिंग टू सेटल हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल ग्रीवां यानी कि ऐतिहासिक दर्द है यानी कि आपको पता है ना कि जब इन्वेडर्स आए तो उन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया भारत ऐसे थोड़ी हुआ हो, होता हुआ रहा रहा होगा एक हजार साल पहले आठ सौ साल पहले सात सौ साल पहले पांच सौ साल पहले भारत ऐसे रहा होगा भारत के आ, लैंडस्केप में ऐसी चीजें रही होंगी नहीं ना तो गलत तो हुआ पास्ट में गलत हुआ इसमें दो मत नहीं है इसको एक्सेप्ट करना ही होगा कि भारत के साथ गलत हुआ इन इन्वेडर्स आकर के भारत को बदलने की बड़ी कोशिश की लेकिन फिर भी भारत को उतना नहीं बदल पाए भारत के लोगों को उतना नहीं बदल पाए सीकिंग टू सेटल हिस्टोरिकल ग्रीवांज लेकिन कोशिश करना कि बाद पा, में जो पास्ट में जो गलत हुआ है हिस्टोरिकल ग्रीवांज को सेटल करेंगे यानी सब गलत को सही करेंगे कैन ट्रिगर अनप्रेडिक्टेबल सोशल फोर्सेज इससे अनप्रडिक्टेबल सोशल फोर्सेज ट्रिगर हो जाएंगे न्यूज़पेपर का कहना है अगर आप हिस्टोरिकल ग्रीवां को सेटल करने की कोशिश करोगे तो ये ट्रिगर कर देगा अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता ऐसे सोशल फोर्सेस एंड रिस्क नेशनल नेशनल यूनिटी यूनिटी खतरे में आ सकती है इसकी वजह से मुझे लगता है ना ये सब बकवास बातें हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं आपको फिर से बोलता हूँ मेरी पर्सनल राय भारत के लोग बड़े समझदार हैं भारत के नेशनल यूनिटी को कुछ नहीं होने जा रहा है ठीक है आज से पचहत्तर साल पहले भारत टूटा अब भारत नहीं टूटेगा किसी कीमत पे नहीं टूटेगा क्योंकि उस टूटने का जो नतीजा हुआ वो उस लोगों के सामने है जाहिल लोग ही तोड़ने की बात करेंगे सेल्फिश लोग ही तोड़ने की बात करेंगे और उनके बहकावे में आने वाले सेल्फिश लोग और जाहिल लोग होंगे समझदार लोग जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन में रहने का क्या फायदा होता है ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में रहने वाले सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं उनको ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता उनमें से कई पहले अपने आप को अमेरिकन मानते हैं उसके बाद ही अपने किसी आइडेंटिटी को देखते हैं क्यों क्योंकि उनकी अमेरिकन आइडेंटिटी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है बाक, बनिस्पत के उनकी बाकी जो हैं। तो भारत अगर एक स्ट्रांग नेशन बन के उभरता है, जहां होने के वजह से आपको बाकी जगहों पे बहुत गर्व का महसूस होगा तो आप अपने भारतीय आइडेंटिटी को इसने इजिली गिव अप नहीं करना चाहेंगे याद रखिएगा ठीक है और बाकी हरामखोर लोगों की बात मैं नहीं कर सकता जो कुछ भी रहे कहीं भी रहे कहीं का भी कुछ भी इंजॉय करें लेकिन उनको उस जगह से तकलीफ होती उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता ठीक है उन लोगों को आप इग्नोर कर दे सकता उनके उनके अंदर एक डिसऑर्डर में मानता हूँ ऐसा ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि आप जहां रहे आपको परेशानी ही दिखती है ऐसे लोगों को हटा दिया जाए ठीक है मिस्टर मोदी हिमसेल्फ नोटेड दिस फैक्ट वाई एल अप्रिशिएटिंग टेंट्टर मिस्टर मोदी खुद ने यह बात नोटिस किया था यानी इस बात को बोला था नोटिस दिस फैक्ट मतलब हाईलाइट किया था बोला था वाई एल अप्रिशिएटिंग द रिलेटिव इज विध विच द टेम्पल वॉज बिल्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्ड एक्ट इन टू थाउजेंड नाइनटीन कि जिस अब, मतलब सब लोगों को लग रहा था कि, कि देखिए जितनी आसानी से टेंपल बन गया है वो के बाद कोई झमेला नहीं हुआ कुछ सच बताऊं तो मुझे भी बहुत टेंशन था यार आई रिमेम्बर वेयर आई वॉज नॉट एट होम आई हर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट ने बर्डिक्ट दिया है मंदिर के फेवर में तो मैं घर पहुंचने तक मैं बहुत ज्यादा अपने आप को Uh, डरार हुआ महसूस करते कि कभी कुछ भी हो सकता है लेकिन देश में कुछ नहीं हुआ इसी से मेरा हिम्मत बढ़ता है कि देश में लोग समझदार हैं वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है और किस चीज के लिए क्या हंगामा करना है इन द मेकिंग ऑफ प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स अगर प्रेजेंट डे की पॉलिटिक्स की बात करें इन द मेकिंग ऑफ द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स द पास्ट इज ऑफ ऑफ एन यूज एज मैलिएबल मटीरियल मटेरियल क्या होता है दोस्तों मेलेबल मटेरियल होता है ऐसी कोई चीज मेलेबल मटीरियल के तौर तो 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 पर यूज किया जाता है प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स में कि भाई पास्ट को जैसे बनाया वैसे घुमा फिरा दो तोड़ मोड़ उड़ दो ताकि आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सके इट कैन श्योरली बी डिप्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ

यूनिटी लाने के लिए फोर्जिंग यूनिटी यानी यूनिटी को लाने के लिए फोर्ज करना कोई चीज को यानी लाना फोर्जिंग यूनिटी एंड क्रिएटिंग हारमनी हारमनी क्रिएट करने के लिए भाईचारा क्रिएट करने के लिए इंस्टेड ऑफ फॉर एक्सेंचुएटिंग डिफरेंसेस ना कि डिफरेंसेस को एक्सेंचुएट करने के लिए एक्सेंचुएट करना मतलब एक्सेंचुएट करना मतलब किसी चीज को एम्फेसाइज करना हाईलाइट करना ताकि इजिली नोटिस किया जा सके तो डिफरेंसेस को एक्सेंचुएट करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए इस मंदिर को मामले मंदिर के मामले को और पास्ट को द विजडम ऑफ स्टेट क्राफ्ट इज इन मेकिंग द राइट चॉइस अब ये देश राज्य पर निर्भर करता है स्टेट क्राफ्ट पर निर्भर करता है यानी कि शासन पे गवर्नमेंट पे डिपेंड डिपें करता है कि वो सही डिसीजन ले तो ये थी आज की ये वाली स्टोरी पहली स्टोरी इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ और फिर अगली स्टोरी भी आज पढ़ूंगा कोरिया वाली स्टोरी क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आ, दूसरे वीडियो में और फिर कल मिलेंगे फिर ऑफकोर्स